हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लच्छेदार खुरचन रबड़ी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें। तो आइए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए एक पैन में मैं लूँगा 1 लीटर दूध। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसमें हम एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब 1 से 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि दूध के ऊपर मलाई की एक लेयर आ गई है। उस मलाई की लेयर को हमें कुछ कोई छोटी चम्मच ले लेनी है और उसके बैक साइड से हमें मलाई को उठाकर किनारों पर लगा देनी है, यानी कि किनारे पर कर देना है। एक से दो मिनट बाद फिर इस पर मलाई की लेयर आएगी। आप देख सकते हैं मलाई की लेयर आ गई है। लगभग ये 30 सेकंड या 1 मिनट में आ जाती है। अब बैक इस चम्मच की बैक साइड से इसे हम किनारों पर कर देंगे, या फिर कहें किनारों पर चिपका देंगे। आप देख सकते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में इसमें फिर से मलाई आ गई है। इसे भी हम किनारों पर कर देंगे। ये प्रोसेस हमें लगातार करना है जब तक हमारा दूध 1/4 ना बच जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा दूध 1/4 बच गया है। हमने सारी मलाई किनारों पर लगा दी है। इस प्रोसेस को होने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ मलाई लगा दी है। अब किसी चम्मच की सहायता से सारी मलाई को हम खुरच लेंगे, यानी कि हटा लेंगे। मलाई को हमें चारों तरफ से अच्छी तरह हटा लेना है। आप देख सकते हैं हमने मलाई को लगभग सारा हटा लिया है। मलाई दूध में मिक्स हो गई है। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने के बाद मैं इसमें डालूँगा 1/4 कप चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चीनी को घुलने देंगे और इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके रबड़ी को हम किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे एकदम ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने के बाद हम रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी ठंडी होकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी लच्छेदार रबड़ी बनी है। अब इसे हम थोड़े से कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। अगर आप चाहें तो रबड़ी को किसी छोटे से मटके में डालकर भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।